और गाइज अभी जो है शेर का गुर्राने का आवाज़ आ रहा था। तो बहुत ही एबेंडेंट जगह है, कोई नहीं आता है, तो हम इन जगहों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है। आगे रास्ता बैन है क्या? नहीं, रास्ता है अभी तो दिख रहा है। ओ भाई साहब क्या जगह है यार। गाइज ये ऐसा जगह है जहां पे अगर आप फंस जाते हैं तो आप एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे। तो गाइज हर बार की तरह हम इस बार भी कुछ यूनिक दिखाने के लिए, कुछ बिल्कुल ही हटके प्रकृति में, कुछ हटके दिखाने के लिए फिर से हम पहाड़ों में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल जो है पहाड़ के ऊपर है, हम पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं और ये जंगल पहाड़ के ऊपर है। तो अभी हम इन जंगलों में चलेंगे, इन पहाड़ों में देखेंगे कि क्या क्या यूनिक है, इन जंगलों में जाके देखेंगे कि क्या क्या यूनिक है, क्योंकि बहुत सारा रास्ता जो है एबेंडेंट है, जहाँ कोई नहीं जाता है, ऐसा बहुत सारा रास्ता है। एक रास्ता तो इधर ही आपको दिख रहा है, इधर कोई नहीं जाता है गाइस, इधर कोई भी नहीं जाता है, लेकिन हम जरूर जाएंगे इधर और देखेंगे कि इधर क्या है और क्या मिलता है हमको देखने के लिए। लोग तो यहाँ तक भी आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन हम नहीं रुके और हम अब आगे जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से होते हुए और देखते हैं कि आगे क्या यूनिक देखने के लिए मिलता है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा आराम कर रहे थे हम लोग। तो गाइज़ हम लोग बस आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ इधर खाई है जैसा कि आपको हम दिखाए थे, और एक तरफ इधर जंगल ही जंगल है, और ये अनएक्सप्लोर एरिया है, इधर कोई नहीं आता है, और सिर्फ लकड़हारा जो होता है, आसपास का जो लकड़हारा होता है वो इधर आता है लकड़ियाँ काटने के लिए। तो बहुत ही एबेंडेंट जगह है, कोई नहीं आता है, तो हम इन जगहों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है। आगे रास्ता बैन है क्या? नहीं, रास्ता है अभी तो दिख रहा है। तो गाइज रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम लोग रास्ता बनाएंगे, और ये रास्ता जाने लायक नहीं है, इसलिए बहुत ही संभल संभल के बढ़िए आगे। तो गाइज हम लोग चलते चलते देखिए एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ये विशाल सा पत्थर रखा हुआ है। आपको इससे पहले भी हम एक वीडियो में दिखा चुके हैं कि ऐसे एक जगह और पत्थर रखा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे ये सब पत्थर जो है यहाँ का नहीं है, बल्कि इन चट्टानों को कहीं से लाकर इस तरह से सरिया कर रख दिया गया है, और इन चट्टानों पर कुछ इस तरह का डरावना पेड़ है, देख सकते हैं आप, और इन रास्तों पर कोई भी नहीं आता है। अब तो इधर लगता है लकड़हारा भी नहीं आता है, क्योंकि इधर कोई लीक भी अब नहीं है, यानी कि लकड़हारा भी जो है उधर तक ही रह जाता है, तो अब इधर लीक भी नहीं रह गया है। हम लोग बिना लीक के आगे बढ़ रहे हैं और इससे भी हम आगे जाएंगे। ये तो आपको इससे पहले भी हम ऐसा दिखा चुके हैं एक बार कि ऐसा पत्थर सजा के रखा हुआ था, पता ही नहीं चलता है, लगता है सजा के रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अभी बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या है आगे? ये कितना खतरनाक दृश्य इधर पेड़ का। बिल्कुल। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से इधर जो है आपका जंगल ही जंगल है, इस तरह का ऊपर देख सकते हैं, इधर भी पूरा जंगल है, और वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है, जो अभी आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, इन पहाड़ों पे कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है किधर से आने का, लेकिन हम तो जाएंगे। हम आपको बताए हैं कि खतरों के खिलाड़ी हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उन रास्तों पर जाके जहाँ कोई नहीं जाता है। और अगर आपको हम यहाँ से दिखाने की बात करें तो यहाँ से जंगल ही है, नीचे सिर्फ जंगल ही जंगल है, तो इधर तो हम नहीं जाएंगे, बल्कि इधर जाएंगे, और यहाँ से फिर से लीक मिलने लगा है हमको, यानी कि लकड़हारे इधर भी आते हैं,
और गाइस देख सकते हैं एक तरफ इधर अब इस तरह का चट्टान है, बिल्कुल यूनिक सा, और इधर जो है हम ऐसे सामने बढ़ रहे हैं। ओ सच में ये क्या है गाइस देख सकते हैं, ये बहुत ही विशाल चट्टान है। इसके बीच में कोई भी दरार या टूटा फूटा नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा इस तरह का चट्टान है यहाँ पे, पूरा प्लेन है और एकदम प्लेन है बिल्कुल। ये पता नहीं क्या है, इस तरह का कैसे हो गया है। और ये खाई, पेड़ कितना बढ़िया उधर, खाई खाई है क्या? उधर प्लेग्राउंड दिखता है, प्लेग्राउंड जैसा वो। गाइस देख सकते हैं इधर क्या है, जंगल ही जंगल है। तो गाइस हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं इधर, और देखते हैं कि आगे और क्या मिलता है। पहाड़ पे मिट्टी है ये, पहाड़ों के बीच में भी मिट्टी होता है ना, या फिर बहुत सारा पहाड़ ऐसा होता है जो मिट्टी बन जाता है बहुत दिनों के बाद। डेड माउंटेन उसको बोलते हैं। तो ये वही सब है, ये तो देख ही लग रहा मेरा वो पहाड़ है, उधर वाला जिंदा था, हाँ वो वाला जिंदा था। तो गाइज इन रास्तों पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, लेकिन हम खतरों के साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना घबराए बस आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी फिलहाल आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर जाएंगे। ओ ये पहाड़ का नया रास्ता, उस पे जाने का। तो फिलहाल हम इस पे चले क्या अभी ऊपर वहाँ पे? चलिए गाइज ऊपर एक पीक दिख रहा है, तो हम चलते हैं ऊपर इस पहाड़ के नोक पर और देखते हैं क्या है। मजा आ रहा है, पीक पर जाओ, पीक पर एकदम ऊपर चले जाओ। खाता आ रहे हैं हम भाई। ओ भाई साहब क्या जगह है यार, एकदम मस्त जगह है यार, सच में बहुत ही मस्त भाई साहब। गाइस देख सकते हैं इन चट्टानों को देखिए, इन पहाड़ों को देखिए, यहाँ पे देखिए कल पानी हुई है, बारिश हुई है कल, तो बारिश जो है यहाँ पे इस तरह का जम गया है पानी। और ये जो चट्टान है टूटा हुआ है, तो इसके ऊपर तो नहीं जाएंगे, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो ये हो सकता है कि नीचे उधर खाई में गिर जाए, तो इसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, इतना रिस्क नहीं लेंगे। तो फिलहाल इस चट्टान से हम नीचे उतरते हैं और चलते हैं उन घने जंगलों में। गाइज ये ऐसा जगह है जहाँ पे अगर आप फंस जाते हैं तो आप एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे। अभी तो बारिश हुआ है, इस वजह से आपको पहाड़ पे पानी हम दिखाए थे कि पानी थोड़ा सा जमा हुआ था, लेकिन अगर आप गर्मी के समय में इधर आते हैं और अगर आपके पास पानी ना हो और बहुत ही ज़्यादा अगर आप प्यासे हो तो मरना तो 100% तय है यार, क्योंकि पानी मिलने से रहा इधर, और ऊपर से पहाड़ है तो पत्ता जो होता है वो गर्मी के दिनों में सूख जाता है, पेड़ पौधा जो होता है उसका पत्ता भी सूख जाता है, इसके वजह से आप उसको गार के उसमें से रस भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये स्थिति हो जाता है इधर का जब गर्मी का मौसम आता है, तो हालांकि ये गर्मी ही चल रहा है लेकिन कल बारिश हुआ था, इसके वजह से थोड़ा सा जो है मौसम ठंडा हो गया है, तो ऐसा लुक दिख रहा है आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, खैर मेरे पास तो पानी है भाई, हम पानी लेकर चलते हैं कहीं भी जाते हैं, तो 3-4 बोतल पानी रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते रहेंगे इन रास्तों पर और देखेंगे कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और गाइस अभी जो है शेर का गुर्राने का आवाज़ आ रहा था, शेर के दहाड़ने का आवाज़ आ रहा था इस जू सफारी से। आपको बताया था ना ये जू सफारी है, ये जंगल सफारी है, और इधर से ही शेर के दहाड़ने का आवाज़ आ रहा था। हम तो सोचे इधर है, हम डर गए थे, इधर से आ रहा था क्या? छोड़ो नहीं यार, इधर ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर जू सफारी है तो ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या शेर पहाड़ पे? घेर ले होगा उसको, घेर के रखा होगा नहीं? हाँ। गाइस देख सकते हैं इन घने जंगलों में जू सफारी बना हुआ है, तो यहाँ से शेर जो है पहाड़ पे चढ़ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
चलिए भैया रुकेंगे नहीं ज़्यादा, चलो नीरज। आइए जल्दी। तो गाइज हम लोग बस घने जंगलों में बढ़ते जा रहे हैं और कुछ भी मिलने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही कुछ अलग मिल रहा है और ना ही कुछ खतरनाक मिल रहा है। खतरनाक भी मिले तो एडवेंचर हो जाए, लेकिन खतरनाक भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं आगे चल के देखते हैं और क्या क्या मिलता है देखने के लिए। एक बात तो तय है कि इधर कोई ना कोई तो ज़रूर आता है, क्योंकि लीक जो है वो बना हुआ है, और जब लीक बना हुआ है तो कोई ना कोई तो आता ही होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे कांटा वगैरह बिखरा हुआ है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ से हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या है। गाइस देख सकते हैं ये जो है, ये पता नहीं क्या चीज़ का फल है, इसको हम पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे लेकिन यहाँ पर सड़ गया है। खैर हम इससे आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ से जाने का रास्ता तक नहीं है। हालांकि हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि ख़तरनाक हो सकता है पहाड़ों में इस तरह से आगे बढ़ना। और ये क्या है, बेल ही है, ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर खड़बड़ाया। नहीं इधर कोई रहता भी नहीं है, तो इधर ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करके फिर रिटर्न होंगे। चलिए गाइस आगे चलिए। गाइस देख सकते हैं यहाँ से जो है ढलान है, इस तरह से नीचे ढलान हो गया है। और फिलहाल तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा जंगल है, लुक कितना अच्छा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम आगे नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत ही आगे आ चुके हैं और ज़्यादा आगे जाना भी सही नहीं है। हालाँकि अभी हम तीन लोग हैं तो यहाँ तक आए हैं, लेकिन और भी जो हमारे टीम में और भी लोग जब आएंगे तो हम इससे आगे भी जाएंगे और हमारे पास टाइम भी होगा उस समय। तो फिलहाल के लिए तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जंगलों में जाते हैं हम, पहाड़ों में जाते हैं, कुछ यूनिक सा दिखाते हैं, कुछ अलग सा दिखाते हैं, कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट करते हैं नेचर के साथ और वो दिखाते हैं आपको। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस ख़त्म करते हैं।